दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन रोहित शर्मा के बाद आए कोहली और जडेजा का तूफान इंग्लैंड भी भारतीय टीम का लोहा मान रही है और सभी खिलाड़ियों ने भारत के आगे घुटने टेक दिए हैं। तो चलिए बताते हैं आपको कोहली और जडेजा की खौफनाक बल्लेबाजी के साथ साथ चौथे दिन के पूरे खेल के बारे में। तो अगर आप भी चाहते हैं कि यह टेस्ट सीरीज भारतीय टीम जीते तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों पहली पारी में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने खासा निराश किया था और भारतीय टीम सिर्फ 191 रन बना सकी थी। कप्तान विराट कोहली 50 और शार्दुल ठाकुर 57 रन बनाकर उसके अलावा कोई भी खिलाड़ी अच्छे रन नहीं बना सका था। टीम के लिए परेशानी का सबब चेतेश्वर पुजारा, जिंकर रहाणे और ऋषभ पंत की खराब फॉर्म रही थी। दोस्तों जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की पहली पारी में 290 रन बनाने में सफल रही। एक समय टीम ने 62 पर 5 विकेट खो दिए थे, लेकिन इसके बाद ओली पॉप 81 रन और क्रिस वोक्स ने 50 रनों की बल्लेबाजी कर टीम को 290 रनों तक पहुंचाया। आखिरी के 5 विकेट के लिए इंग्लैंड ने 228 रन जोड़े और टीम 99 रनों की बढ़त बनाने में कामयाब रही थी। भारत के लिए उमेश यादव के खाते में सर्वाधिक उसमें 3 विकेट गए थे। 203 दिन का खेल भारत के नाम रहा। भारत ने 43 रन के आगे से खेलना शुरू किया। रोहित शर्मा और केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी करते हुए 83 रन जोड़े। मेजबानों को जेम्स एंडरसन ने केएल राहुल का 46 रनों के रूप में चलता किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए चेतेश्वर पुजारा ने रोहित शर्मा के साथ दूसरे विकेट के लिए 153 रन की शानदार साझेदारी की। 200 पुजारा काफी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, इस वजह से रोहित शर्मा को भी समय मिला और रोहित शर्मा ने मोइन अली की गेंद पर छक्का ठोक कर विदेशी सरजमी पर अपना पहला शतक पूरा किया और इंग्लैंड खेमे में भूचाल ला दिया। दोस्तों रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ 127 रनों की पारी खेली तो वहीं पुजारा ने 61 रन बनाए। दूसरी पारी के 80 ओवर तक यह दोनों खिलाड़ी खतरनाक बल्लेबाजी करते रहे, लेकिन नई गेंद आते ही ओली रॉबिन्सन ने दोनों ही खिलाड़ियों को एक ओवर में आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। पहली गेंद पर पुल शॉट मारने के चक्कर में रोहित शर्मा आउट हुए। वहीं आखिरी गेंद पर पुजारा के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए स्लिप में बॉल घुस गई और उनका पत्ता भी साफ हो गया। दोस्तों इन दोनों खिलाड़ी के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे कप्तान विराट कोहली, जिन्होंने 22 रन बनाए और रविंद्र जडेजा ने 9 रन बनाकर कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया। चौथे दिन भारत की नजरें इंग्लैंड पर बड़ी बढ़त लेने पर होंगी और आज जब भारतीय खिलाड़ी एक अच्छा प्रदर्शन करते हैं और स्कोर को 400 रनों के पार पहुंचा देते हैं तो भारतीय टीम इंग्लैंड में अपनी जीत का परचम लहराएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम यह टेस्ट सीरीज जीतेगी या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।